टू ब्लेस ब्लेसिंग आई होप यू आर डूइंग गुड गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके होने वाले पति से आपकी मुलाकात कैसे और कब होगी ओके वी आर डीलिंग विद टू क्वेश्चन हाउ एंड वेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस ओके आपके ग्रुप हैं ग्रुप वन आपके बर्थ मंथ हैं एंड ग्रुप टू uh, ग्रुप वन में है ये ये, ये रेड बटरफ्लाई और बट मंथ है दिसंबर मई मार्च सितंबर जनवरी जून पाइल टू में ये वाला बटरफ्लाई है और मंथ है अक्टूबर फरवरी अप्रैल अगस्त नवंबर और जुलाई ठीक है अपना ग्रुप चूज कर लें आप मैरिटेट करके या फिर अकॉर्डिंग टू योर वर्थ मंथ आई सी यू ऑन योर रीडिंग लव लवली पायल वन अगर आपका ये ग्रुप था रेड या पिंक वाला चलें जी देखते हैं कि पहले हम देख रहे हैं कि हाउ विल यू मीट कैसे मिलेंगे ओके okay? और कब के हम दोबारा कार्ड निकालेंगे ताकि दोनों क्वेश्चंस मिक्स ना हो जाए जी हाउ विल यू मीट योर पर्सन ओके हाउ व यू मेट दिस वन पहलवान आपके पास जो कार्ड्स आ रहे हैं दे आर टेलिंग मी लाइक टेन ऑफ सोर्ड्स फोट टू ऑफ पेंटिकल्स हरमेट स्टार नाइन ऑफ फैंस सेवन ऑफ पेंटिकल्स नाइन ऑफ सोर्स एंड थ्री ऑफ कप्स तो अगर आपने शाफलिंग या कुछ और मिस किया है लेट मी टेल यू हम पहले देख रहे हैं कि हाउ विल यू मीट द तो वन एंड बाद में हम देखेंगे कि वैन तो हाउ का आंसर है कि यहाँ पर मुझे दो से तीन ऑप्शन तो, तो तो, नज़र आ रही है क्योंकि एनर्जी डिवाइड हो रही है यहाँ एक एनर्जी नहीं है क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि आप लोग काफ़ी नंबर में हो काफ़ी तादाद में हो तो ओबियसली एनर्जी तो फिर स्कैटर होगी तो इज कुछ ऑप्शंस मुझे नज़र आ रही हैं आप उसमें से देख लेना जो आपके साथ करें नंबर वन पहली ऑप्शन गाइज यहाँ पर एक्सट्रीम एक तो भी एनर्जी है और मुझे इंटूटिव भी यहाँ पर चैनलिंग हो रही है आप अपने पर्सन से मिलोगे ड्यूरिंग योर ट्रैवल ठीक है यू विल बी ट्रैवलिंग समवेयर कहीं आप जा रहे होंगे कहीं से आ रहे होंगे आई एम सीइंग समबडी जैसे सब किसी ट्रिप के साथ जा रहे हो किसी बस में हो बहुत सारे लोग हैं आपके साथ आप अकेले नहीं हो यानी कि इट्स नॉट अबाउट आप दो तीन लोग हो इट्स अबाउट आप लोग काफ़ी ज़्यादा हो बस भर के हैं या इवन आपकी अपनी फैमिली भी है स्टिल यू आर इन मोर देन टवेंटी मोर देन थर्टी फोर्टी इकट्ठे मिल के जा रहे हैं राइट कहीं पर वेकेशन पर या किसी इवेंट पर और आई कैन सी कि वहाँ पर आप लोगों ने कहीं स्टे किया है ठीक है या शायद किसी खाने खाने के लिए कहीं पर रुके हैं लंच के लिए या वैसे ही आइसक्रीम्स वग़ैरह खाने के लिए फॉर स्नैक्स कोई ऐसे हिल स्टेशन टाइप है या कोई वैसे ही कोई अम्यूज़मेंट की जगह है तो वहाँ पर आपने स्टे किया है ये पर्सन वहाँ पर आपको देख सकता है आई थिंक आप इनसे कोई हेल्प ले सकते हैं किसी चीज़ की रास्ता पूछना है या आ, वैसे ही कोई चीज़ आपकी शायद कोई पैसे घूमे हैं या कुछ इस तरह की कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ आपके साथ एक दो कज़ंस हो सकती हैं आपकी यहाँ सहेलियाँ हो सकती हैं। हैंज़ राइट एंड इस तरह करके आपने इनसे कुछ पूछ लिया और आ, ये आपको पसंद आपने इन्होंने आपको पसंद कर लिया ठीक है तो इट वॉज़ अ स्ट्रांग एंड हिंट फॉर दिस ग्रुप उसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है दूसरे यहाँ पर ऑप्शन मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिला होगा क्योंकि यहाँ ऑनलाइन सर्च है सम संब, समी सर्चिंग समवन शायद आपने कोई सर्च किया किसी डेटिंग ऐप पर या किसी और जगह या इन्होंने वैसे स्क्रॉलिंग करते करते आपका अकाउंट नज़र आ गया तो ये सीन भी हो सकता है ठीक है लेकिन यहाँ इसकी इतनी वाइब नहीं है ज़्यादा वाइब यही है जो मैंने आपको बताया है कि बहुत बड़ा हजूम है बहुत बड़ी गैदरिंग है जिसमें इनकी नज़र आप पर ही ठहरी पता नहीं आपकी एक कपड़े आई कैची थे कलर या वैसे ही क्योंकि यार ने स्टार है इट इज़ डेस्टिनी जहाँ डेस्टिनी इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ सारे ही चुप हो जाते हैं ना तो विद थ्री ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर आ, एक इसी टाइप की एनर्जी है लेकिन दैट इज़ अ बिट डिफरेंट कि ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी पार्टी पर शादी पर बर्थडे पर इस तरह का कोई इवेंट या आपकी कोई रिलीजियस सेरेमनी है कोई होली ईद क्रिसमस ईस्टर इस टाइप का कुछ भी इवेंट हो सकता है आपका ट्रेडिशनल उधर आपको देखा हो इन्होंने ठीक है आप तीन दोस्तें हो सकती हो तीन हो सकती हो उस टाइम खड़ी हुई इकट्ठी तो इस तरह से इनकी नज़र आप पर जा सकती है ठीक है तो दो ऑप्शन दो, दो, दो तीन ऑप्शंस हो गई और तीसरी ऑप्शन यहाँ पर है कि मे बी आपको ये वर्किंग जगह पर मिले लेकिन ये इसकी इतनी वाइब नहीं है कि यह आपको जहाँ वर्क आप करें वहाँ पर मिले बिकॉज़ आई एम सिंग आउटसाइड कोई बाहर का मौसम है बाहर की एटमोसफियर है जहाँ इसने आपको देखा या आप ने इनको देखा ठीक है नाइन ऑफ वैन्स है यस यू विल बी डिफेंसिव आप एकदम से मुंह उठा करके ना तो उनको अपना नंबर दोगे और ना ही इनसे बात करोगे ठीक है एंड देन ही विल बी लाइक अब आप रे क्या किस्मत है इतना पीछा करेगा ये पर्सन नाइन ऑफ़ वैन्स आप डिफेंसिव हो जाओगे कि पता नहीं कौन है ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है राइट right? एंड लेकिन ये इतने कंसिस्टेंट हैं इतना बिकॉज डेस्टनी है ना इसी स्टार कार्ड आप तो उन्होंने मिलना ही मिलने रहे आप हज़ार रुकावटें लो वो डाल लें डेस्टनी को सी कोई गर्ज नहीं होती है ना तो ये इतना पीछा करेगा इतना आपके पीछे आएगा आपको बार बार अपनी शक्ल दिखाएगा बार बार आपको स्टॉक करेगा देन आप इसको कंसीडर करने लगोगे यहाँ अभी आप बोलो क्या बात है राइट कहीं ना कहीं आपको भी इनसे फिर हो जाएगी अटैचमेंट एंड फिर जो आपका डिफेंस मूड है वो चेंज हो जाएगा लव मोड में ठीक है अटैचमेंट मोड में पहले अटैचमेंट होगी आपको इनसे तो फिर जाकर आप दोनों का मिलन होगा ठीक है तो टन ऑफ सोर्स है डेफ़िनेटली हो सकता है आप उनको सर हम रिजेक्ट भी कर दो कि चलो भागो कोई नहीं मैं तुमने जैसी मुझे समझा हुआ ना मैं वैसी नहीं हूँ ये भी हो सकता है ठीक है बट दिस पर्सन विल नॉट लूज़ द होप आपके पीछे 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 पीछे, पीछे आएगा ज़रूर ठीक है क्योंकि इनको जो अट्रैक्शन आप में नज़र आई है वो नहीं किसी पे भी नज़र आई होगी अच्छा अब यहाँ पर आगे जा के क्लास डिफरेंट हो जाएगी कि अगर तो या आप ही नहीं मान रहे हो तो हो सकता है ये पर्सन आपकी फैमिली को अप्रोच करे और थोड़ा अरेंज मैरिज कराने की कोशिश करे ठीक है एंड फिर वो आप तो आप में से आधे लोग मतलब तो लव मैरिज और आधे अरेंज मैरिज इस तरह भी हो सकता है अगर तो आप मानगे तो ठीक है लव मैरिज नहीं तो यह पर्सन आपकी फैमिली को अप्रोच करेगा क्योंकि इंतहाई इंसान है ये है इसलिए जान नहीं छोड़ने वाला ये आपके फैमिली को पटा लेगा फिर हाँ पे फैमिली प्रेशर पड़ेगा कि भी ही शादी करनी है ठीक है चलें जी आगे हम देखते हैं कि ये कब कब होगा ये सब कुछ ओके ग्रुप वन पायल वन आपकी एनर्जी जो है आपके ग्रुप में सीन ये है कि आपको ज़िंदगी में बहुत एग्ज़ाम्स देने पड़े हैं आपको ज़िंदगी में बहुत परीक्षाओं से गुज़रना पड़ा है ठीक है और आप अक्सर सोचते हो कि कब मेरा ये टेस्ट ख़त्म होगा कब मेरा ये परीक्षा ख़त्म होगी कब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है और कहीं ना कहीं आप अपनी कभी तो किस्मत को कोसते हो और कभी कभी आपको लगता है कि आपके कोल्स आपके पास नहीं आते हाँ मतलब चले जाते हैं बहुत दूर आपसे जब भी आप उनको चेज करने लगते हो कुछ भी गोल है तो आई एन जाके ना पास जब व्हेन यू आर अबाउट टू तो अचीव दैट वहीं पर कुछ ना कुछ हो जाता है ठीक है इस चीज़ ने आपके अंदर नेगेटिविटी और फियर्स इनर फियर्स हुए हैं दैट इज़ कंज्यूमिंग यू इनसाइड तो गाइज़ आपके आ, मैं ये बात बता दूँ आपको आपके ये डाउट क्लियर करने के लिए कि आप अनलकी नहीं हो यहाँ पर सबसे पहला ही आपको आपकी ये डाउट क्लियर करने के लिए आपके लिए मैसेज है कि लक इज़ ऑन योर साइड आप खुश किस्मत हो अगर अभी तक आप अकेले सिंगल भी हो तब भी आप खुश किस्मत हो क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ बहुत बुरा लिखा था डिवाइन ने उसको ख़त्म किया उसको तोड़ा आपको उसमें नहीं पढ़ने दिया आपको प्रोटेक्ट किया तो खुशकस्मती हुई ना लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव हो जाओ देखो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी तो नेगेटिव नहीं होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं दिया तो अब कुछ भी नहीं मिलना योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड आपकी जो नर्व्स की स्ट्रेंथ है वो उसको डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं राइट सो यू आर वेरी क्लोज़ टू अचीव योर गोल ये आपका आंसर है कब मिलेंगे वेरी क्लोज़ यहाँ पे जी बी एस मून है एंड लेट मी टेल यू दिस सीज़न कब आप मिलेंगे स्कॉर्पियो टू सेजिटेरियस सीजन फुल मून इन स्कॉर्पियो न्यू मून ओके गाइस द कमिंग ये जो सेजिटेरियस सीजन है लाइक नवंबर नवंबर ये जो कमिंग नवंबर है नवंबर और स्टार्ट ऑफ दिसंबर यहाँ से लेकर करके आप नेक्स्ट फुल मून इन स्कॉर्पियो नेक्स्ट स्कॉर्पियो सीज़न लाइक सेप्टेम्बर एंड सितंबर से लेकर के स्टार्ट ऑफ नवंबर ये महीने बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपको उनसे मिलने के ओके okay, कमिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो कमिंग नवंबर या स्टार्ट ऑफ दिसंबर से लेकर नेक्स्ट स्कॉर्पियो सीज़न सितंबर एंड सप्टेम्बर ठीक है दिस इज़ दी राइट टाइम जब आपको ये पर्सन मिल जाएंगे ठीक है तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय हेलो लव माई फॉल्टू कम होगा गाइस पहले हम देख रहे हैं कि आप कैसे मिलेंगे इनसे ठीक है फिर हम दोबारा शफल कार्ड्स करेंगे टू तो सी के कब मिलेंगे पहले हम देख लें कि कैसे हाउ विल यू मीट योर पर्सन ओके हाउ विल यू मीट तिफन जो कार्ड्स हैं, उनमें आ है एस ऑफ सो सिक्स ऑफ वैंस टू ऑफ कप्स फाइव ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ कप्स किंग ऑफ वैंस ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ सो फोर ऑफ फैंस एंड एस ऑफ कप्स आई डोंट नो वाई फॉर दिस ग्रुप लेट मी शो यू आपके पास तीन कार्ड्स में न्यू बिगनिंग है प्रपोजल है वन two, three. यू आर वेरी 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 क्लोज टू meet दिस पर्सन आपका जो प्रपोजल है वेडिंग का यहाँ तो आपको आ चुका हुआ है और कुछ लोग तो ऑलरेडी दे आर गेटिंग मैरिड वेरी soon. इस पर्सन ने आपको प्रपोज भी कर दिया आई है टू ऑफ कप्स और अगर नहीं तो लेट मी टेल यू यू आर वेरी वेरी नीयर टू दिस पर्सन बहुत करीब है ये बाकी जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि हाउ विल यू मीट स्ट्रोंगेस्ट एनर्जी स्ट्रोंग 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 एनर्जी यू मीटिंग दैम ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन मीडिया सोशल मीडिया पर फेसबुक कोई और जरिया इस तरह का जहाँ पर इंटरनेट यूज़ होता है बिकॉज दिस इज़ द दिस इज़ द एयर एनर्जी ठीक है यहाँ कोई रॉन्ग कॉल मिस कॉल फोन नंबर इस तरह की बहुत सारी चित्री भी इन्वॉल्व हैं इसमें इंटरनेट की चीज़ें वहाँ पर ये पर्सन आपको उनके थ्रू मिला है ठीक है मोर ओवर आई कैन सी यूर हेयर अबाउट योर पर्सन कि ये आपके सोल मेट हैं दिस इज़ योर सोल पार्टनर ठीक है और ये भी हो सकता है कि आपको जहाँ पर दूसरी ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है कि आपको किसी पार्टी में बिकॉज यहाँ पार्टी है इस्पेशली शादी जहाँ शादी पर आप जा रहे हैं हो सकता है ये आपको वहाँ पर मिले शादी पर आप देखें अगर आपको नियर एंड डियर कहीं शादी पर जाना है तो यू शुड डेफिनेटली गो देयर बाक़ी मैं ये बता दूँ कि ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है लुक में और काफ़ी हाई पोस्ट पर भी है मतलब काफ़ी इनकी पावर है काफ़ी इज़ लाइक वेरी वेरी अट्रैक्टिव पर्सन एंड वेरी पावरफुल पर्सन तो ये डरता नहीं है किसी से काफ़ी भी रेव पर्सन है और लाइक ही इज़ इन टू यूज सो मच जब आपको देखेंगे तो जैसे इंसान पागल हो जाता है किसी को देख करना वो भी हो सकता है एंड पायल टू सिक्स ऑफ वैन्स है किंग ऑफ वैन है दिस पर्सन कैन बी कैन बी फेमस ओके नॉट फॉर एवरीबडी लेकिन अगर आप देखें तो ये पर्सन सेलेब्रिटी या काफ़ी फेमस अपने एरिया में या इधर उधर हो सकते हैं मिलने की एक और रीज़न ये भी वजह ये भी हो सकती है कि ये पर्सन या तो आप इनको देखोगे कहीं मीडिया पर या इस तरह आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट खुद करोगे इनके इंस्टा पर या इधर उधर बिकॉज यहाँ ऐसी ही वाइब है यू आर गेटिंग मोर इन्वॉल्व आप से एक्टिव हो गए इनके पीछे ठीक है और उसके बाद जब ये आपको देखेंगे तो ये आपको भी पसंद कर लेंगे इस अवेंस इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग ठीक है फिनेंशियल कंडीशन आपके भी इतने ठीक नहीं है पर्सनली लेकिन इनके साथ मिलने के बाद एवरी थिंग विल भी ऑल राइट एक और मुझे यहाँ पे वाइब नज़र आ रही है समबड़ी डोनेटिंग चैरिटी करना कुछ इस तरह की वाइब है तो हो सकता है आप कहीं पर चैरिटी कर रहे हो चैरिटी करने जाओ तो उधर ये कहीं हो कुछ कुछ भी यानी थिंग या ये भी हो सकता है आप किसी की हेल्प कर रहे हो किसी पुअर नीडी की ये दूर से कहीं देख रहे हो आपको आई थिंक दिस मैरिज इज़ आउट ऑफ फैमिली ये फैमिली में मैरिज नहीं है एब्सोल्यूटली अननोन पर्सन न्यू पर्सन समवन न्यू एक्स भी नहीं है आपका ये तो यहाँ तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हुए हैं और आप उनको जानते हो ये कौन है बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल क्लैरिटी एस ऑफ सोर्स भी मेंटल क्लेरिटी आपके माइंड में क्लियर है कि ये कौन है ठीक है आप जानते हैं इनको अगर आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन रेजोनेट नहीं हो रही ना तो आप पहलवान देख सकते हो लेकिन इस ग्रुप में यू नो योर पर्सन लाजमी नहीं है आप इनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो ये भी हो सकता है वैसे ही इनको जानते हैं यू नो दिस पर्सन किसी के साथ मेरी शादी होनी है ठीक है तो कुछ इस टाइप का है अच्छा ही गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं आप में से जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो होते हैं आपकी कंट्री में जो भी एग्ज़ाम्स तो ये हो सकता है कि आप क्लियर करोगे पहले हंड्रेड परसेंट और देन आप लोग दोनों आगे जब अपनी फील्ड में जाओगे ये वहाँ भी आपको मिल सकते हैं सो गाइस लेट्स सी कि ये कब होगा सब कुछ कब मिलेंगे कि न्यू बिगनिंग पॉइंट टू हर चीज न्यू है आपके लिए एवरीथिंग इज न्यू कब मिलेंगे आपको ऑटोमोटिक लेना पड़ा ओके पार्ट टू आपके पर्सन जो है आप शायद कहीं ना कहीं कभी ज़िंदगी में किसी तरह ना किसी किस्म के पास्ट में स्टक रहे हो बहुत देर तक नेगेटिविटीज़ में और वो नेगेटिविटीज़ ने आप इतना बैड इम्प्रेशन डाला है ना कि यकीन करो मैं आई डोंट वांट टू मेंशन बिकॉज मैं ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं करती फिर आप लोग वहम में आ जाते और फिर वो आपको इस नेगेटिव थॉट्स ने कहीं का नहीं छोड़ा आपका कुछ नहीं करने को दिल चाहता हर काम में नेगेटिविटी हर काम से आपको डर लगता है उठ के करने को दिल नहीं चाहता चाहते हैं बेड पे काउच पे सोफ़े पे लेटे रहें बैठे रहें इवन उठ के आपका फॉर एग्जाम्पल चाय बनानी है वो भी दिल नहीं करता ये टूटी तोड़ दिया है किसी ने आपको या आपने खुद की थाट्स ने खुद को तोड़ दिया ठीक है तो इज के आपको अपने ये जो कम्फर्ट जोन क्रिएट किया हुआ ना ने, नेगेटिविटी ने तो नेगेटिविटी हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है इम्यून सिस्टम पे अटैक हुआ तो आप गए काम से ठीक है तो वर्क थ्रू योर फीयर्स आपके लिए मैसेज है अपने डरों को फेस करो जो भी डर है डर दूर कोई नहीं होता डर सारा अंदर होता है दिमाग में बाहर कुछ नहीं होता बाहर के हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अनलेसल हमारा अंदर स्ट्रांग है हमारा इनर स्ट्रांग है ट्राई दिस थिंग आई नो मैं कोई अजीब सी बात कर रही हूँ और आप लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कहीं ये नहीं ऐसे नहीं होता uh, ऐसे ही होता है <laughs> right? तो वर्क थ्रू योर फीयर्स प्लीज और नेगेटिविटी को रिलीज़ करें एज लॉन्ग एज दिस पर्सन इज़ कंसर्न अव रोमेंटिक साइकिल दिस पर्सन इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग समथिंग वेरी न्यू इन योर लाइफ ये आपकी लाइफ में एक नया लव आ रहा है पुराने लोगों को पुरानी चीज़ों ने जितना भी तोड़ा फोड़ा है आपको भूल जाओ क्योंकि ये न्यू बिगनिंग है टू एंड यू आर वेरी लकी ओके एंड आप आपके हाँ, मतलब फ़ैसला हो चुका है आसमान पर यू सी कंक्लूजनस आर विद इन रिच कंक्लूजन नतीजा जो होना है वो लिख चुका है आपके लिए बट यू योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान लेकिन कुछ आपको सेल्फ़ लव के लिए कुछ प्रैक्टिकली कुछ करना है पायल टू थोड़ा सा आपको हिम्मत की ज़रूरत है थोड़ी सी आपने थोड़ा सा कष्ट और काटना है एंड आपके हाथ में गेम होगी ओके द बॉल विल बी इन योर स्कॉट दो ये चीज़ है तो जहाँ तक टाइम फ्रेम की बात है व्हेन यू आर गोन मीट दिस पर्सन लेकिन यहाँ पर कंडीशन है मैं पहले बता दूँ आपको नेगेटिविटी और फियर्स पर काम करना पड़ेगा और सेल्फ लव की तरफ आना पड़ेगा तब जाके आपका काम बनेगा और तब ही आपका टाइम फ्रेम वैलिड है जो मैं बताने लगी हूँ अदरवाइज नहीं है लिब्रा न्यू मून इन लिब्रा अनलेस फुल मून इन टॉरस

ठीक है ये कमिंग अक्टूबर से मई तक का महीना है बहुत इम्पॉटेंट सीज़न है ये, आपकी ये लिए। thing, uh, आपके लिए एंड द थिंग इज़ कि यू विल डेफिनेटली मीट योर पर्सन इन दैट थिंग इन दैट वेरी टाइम फ्रेम लेकिन मैंने आपको दोबारा बताया आपके पायल में बहुत ब, आपने खुद ही ब्लॉकेज लगाए हैं किसी ने नहीं लगाए ठीक है जिनके पीछे आप रो रहे हो वो आपको भूल चुके हुए हैं बेहतर यही आप भी उनको भूल जाओ क्योंकि आपके पास आपको पता ही नहीं है कितनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं तो हैरान हो गई हूँ आपके देख के कि मतलब इतनी न्यू बिगनिंग्स न्यू बिगनिंग हर कार्ड ये बात बोल रहा है कि न्यू बिगनिंग टैरो से मैंने देखा चलो मैंने कहा चलो ठीक है तीन चार कार्ड न्यू बिगनिंग के आए हैं यहाँ मूनोलॉजी देख लें उधर भी देखें ये मेरी बात पे यकीन आपको ख़ुद पढ़ लें न्यू रोमांटिक साइकिल बेगन्स न्यू मून इन लिबरा ठीक है तो गाई जस्ट क्लेम दिस एनर्जी क्लेम दिस रीडिंग एंड यू विल बी गुड टू गो ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट आई एल सी यू मै नेक्स्ट रीडिंग आन नेक्स्ट टाइम बाय